सो गाइस फाइनली हमारे बोरूटो का एपिसोड नंबर 235 आ चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही सा था, लेकिन एनिमेशन ज़्यादा खास नहीं थे पर स्टोरी सही थी। तो ठीक है, अब बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से एपिसोड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे बोरूटो और उसकी टीम को, जो कि जा रहे होते हैं डेंकी के आइलैंड की तरफ। बोरूटो उस बोट वाले आदमी को काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से कह रहा होता है कि तेज चला, हमें जल्दी से वहाँ पे पहुँचना होगा, अगर तू इसी स्पीड से चलाएगा तो वो लोग पकड़ जाएंगे। लेकिन वो बोट वाला बंदा हमारे बोरूटो से कहता है कि तुम्हें दिमाग नहीं है क्या, अगर हम जोर से जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे। बोरूटो भी इस बात को रियलाइज़ कर लेता है। इसके बाद ऐसे ही सिर्फ चल रही होती है और हम देखते हैं कि इस छोटी सी बोट पर भी हमारे कावाकी की तबीयत ख़राब होती है। ऐसे ही सब चीज़ आराम से चल रही होती है, लेकिन तभी हमारा कागुरा बोरूटो से कहता है हमें जल्दी से छुप जाना चाहिए क्योंकि हम फनाटो क्लैन का बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। बोरूटो से कहता है क्या हुआ, मुझको तो सब चीज़ नॉर्मल दिख रही है। लेकिन तभी कागुरा बोरूटो से कहता है ध्यान से सुनो, जो वाटर बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ कुछ अजीब तरीके से आ रही है। और इतना कहते ही हमारा कागुरा नोटिस करता है कि किसी फनाटो क्लैन के बंदे की बोट उनकी तरफ आ रही है। और इसी के साथ आ जाती है हमारी काफ़ी अच्छी सी ओपनिंग। ओपनिंग के बाद हम देखते हैं कि वो फनाटो क्लैन के बंदे उस शिप के मालिक से बात कर रहे थे। वो उससे कहते हैं कि हमें ऑर्डर दिया गया है कि फनाटो क्लैन के रीजन में जो भी बोट आए उसे डिस्ट्रॉय कर देने का। लेकिन वो शिप का ओनर कहता है कि देखो मेरे पास इतना सारा पैसा है, मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, और अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं अगली बार और भी पैसों के साथ आऊँगा। ये सुनकर भाई वो जो हमारा मतलब फनाटो क्लैन का बंदा था वो थोड़ा सा संबोधित हो जाता है। एंड देन हम देखते हैं बोरूटो कावाकी इन सबको, जो कि बोट के नीचे छुपे हुए होते हैं, और उन सब की हालत काफ़ी बेकार लग रही होती है। बुंडान उन सबसे कहती है हम इन लोगों को पीट के यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ सकते, और ये कहकर वो ऊपर आने ही वाली होती है लेकिन सारादो से रोक लेती है। सारादो से कहती है अगर हमने ऐसा किया तो हम फनाटो क्लैन की नज़र में आ जाएंगे। ये सुनकर बुंडान कुछ नहीं करती, लेकिन हम देखते हैं कावाकी को, जिसकी हालत शिप के नीचे काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही होती है। और कावाकी को देखकर हम साफ साफ बता सकते हैं कि वो कुछ उल्टा काम करने वाला है। सब चीज़ सही चल रही होती है, लेकिन तभी हमारा कावाकी ऊपर आ जाता है, उससे और सहन नहीं होता और वो जल्दी से शिप के ऊपर आके सांस लेने लगता है जोर जोर से। वो फनाटो क्लैन का बंदा उसे देखकर कहता है तुमने शिप में क्या क्या भर रखा है, और इसके बाद वो फनाटो क्लैन का बंदा सोचता है क्यों ना वो शिप को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन तभी हमारा कावाकी चैट बॉय उसे अपने म्यूटेड हैंड से पानी में गिरा देता है। सारादा भी दूसरे वाले बंदे को नीचे गिरा देती है, और उसके बाद सारादा उस शिप के ओनर से कहती है कि अपनी बोट को जल्दी से भगाओ। उस शिप का ओनर सबसे कहता है कस के पकड़ लो, और इतना कहते ही वो एक बटन दबा देता है जिससे वो बोट काफ़ी ज़्यादा सुपर फास्ट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है। बोरूटो काफ़ी खुश हो जाता है कि अब वो डेंकी से काफ़ी जल्दी मिलने वाला है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो बोट वापस अपनी लाइन पर आ जाती है। बोट को धीरे चलता हुआ देखकर हमारा बोरूटो उससे कहता है कि तुमने बस थोड़ी देर तक स्पीड तेज करी, तुमने ऐसा क्यों करा। वो बोट का ओनर जवाब में कहता है कि अगर मैंने थोड़ी देर तक और ऐसा करा तो जो हमारी बोट है इसका पूरा का पूरा इंजन ख़त्म हो जाएगा। ये सुनकर बोरूटो थोड़ा निराश होता है, और तभी वो देखते हैं एक आइलैंड को जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा तहस महस होती है। वो लोग ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। हमारा बोरूटो कहता है ये फनाटो क्लैन के बंदे कितने बेकार है, वो ऐसा भी कर सकते हैं क्या। कागुरा उन्हें बताता है कि शायद इस आइलैंड के लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाए होंगे और उन्होंने उनकी ये हालत कर दी। ये सब देखकर बोरूटो को फनाटो क्लैन के बंदों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बोरूटो का ऐसा रिएक्शन देखकर कावाकी उससे कहता है फनाटो क्लैन के बंदे काफ़ी ज़्यादा बुरे लोग हैं, लेकिन बुरे लोगों का भी कुछ रीज़न होता है ये सब करने का। और बोरूटो को ये सुनकर काफ़ी गंदी वाली मिर्ची लग जाती है। हमारा मित्सुकी कहता है वाह क्या बात कही है। तो भाई देख ही सकते हो अब कावासुकी होने वाला है, जोक सपाट ओके। और इसके बाद उनकी शिप एकदम आराम से चल रही होती है, लेकिन तभी बुंटान कहती है कि हम सब इन लोगों को ख़त्म क्यों नहीं कर देते, ये इतना बेकार क्यों है, और अपनी शॉर्ट बाहर निकालने लगती है। लेकिन तभी सारादा उसे रोकती है और कहती है तुम्हें अपनी शॉर्ट कैसे मिली, और तुम वक्त वक्त पर अपनी शॉर्ट बाहर क्यों निकाल लेती हो। ये सब सुनकर बुंटान काफ़ी गुस्सा हो जाती है। हेबीची को अपनी शॉर्ट सारादा के गले पर रख देती है। बोरूटो अपनी किक से उनकी शॉर्ट को दूर करता है कि वो भी कुछ अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मुत्सुकी उसे अकेला ही संभाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे कागुरा आता है और वो मैटर सॉल्व करवाते हुए हमारे बुंटान से कहता है सारादा को बता दो। और हमारे कागुरा कैसे कहते बुंटान अपने गले पर एक सील दिखाती है सारादा को। सारादा ये देखकर कहती है ये तो, लेकिन उनके सेंटेंस पूरे करने से पहले ही हमारा कागुरा उन्हें सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि इस सील की हेल्प से अगर ये लोग कुछ भी बुरा करते हैं तो मैं एक हैंड साइन बनाकर इन सबको वहीं खत्म कर सकता हूँ। बुंटान कहती है तुम ऐसा भी समझ सकती हो कि हम उधार पे लिए हुए कुत्ते हैं। और हमारी सारादा से हमारी बुंटान कहती है चिंता मत करो, मैं ये मिशन काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले रही हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने अच्छा करा तो हमारी सजा को कम किया जा सकता है। लेकिन हाँ मैं कुछ गड़बड़ तब करूँगी जब कागुरा देख नहीं रहा होगा।
और इसके बाद ऐसे ही उनकी शिप मस्त चल रही होती है और वो जल्दी उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखा जाता है उस आइलैंड का सीन। हम देखते हैं कि फनाटो क्लैन के बंदे उन आइलैंड के लोगों से मजदूरी करवा रहे होते हैं, वो उनसे काफी ज्यादा मेहनत करवा रहे होते हैं और बदले में उन्हें जिंदा रख रहे होते हैं। वहाँ के सरकमस्टांसेस काफी ज्यादा ही खराब होते हैं। एंड देन सीन दिखाया जाता है बोरुटो का और उसकी टीम का। बोरुटो कहता है मैं जा रहा हूँ डेंगी को बचाने, लेकिन सारा तो उसे रोकती है और कहती है सुनो मैं जा रही हूँ और मेरे साथ मित्सुकी भी आ रहा है, तुम सभी लोग यहीं पे रुकोगे। बोरुटो कहता है इसका मतलब हमें यहाँ पे रुक के बस इंतजार करना होगा, लेकिन सारदा कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें एक इम्पोर्टेंट काम करना है, तुम्हें इन सभी लोगों पे नजर रखनी है क्योंकि हमें यहाँ से लौटने के लिए एक बोट भी चाहिए। लेकिन तभी हमारा मित्सुकी कहता है कि हमारे साथ लीव के रिसर्चर्स भी आएंगे तो ये अकेली बोट काफी नहीं है उन सब के लिए। लेकिन तभी हमारा कागुरा बताता है कि हम यहाँ से किसी एनिमी की बोट को जुगाड़ कर लेंगे। ये सुनकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं कि मित्सुकी और सारदा वहाँ से निकल जाते हैं और वो आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि एक गार्ड वहाँ पे पहरा दे रहा होता है जिसे मित्सुकी अपने साथ की हेल्प से नीचे गिरा देता है और इसके बाद वो ऐसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि मित्सुकी एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है और उसके साथ सारदा भी होती है और वो लोग कुछ फनाटो क्लैन के बंदों की बातें सुन रहे होते हैं। हम देखते हैं कि एक फनाटो क्लैन का बंदा दूसरे बंदे से कह रहा होता है कि लॉर्ड चैनमा को बता दो कि हम सारा का सारा गोल्ड शिप पे लोड करवा रहे हैं। वो दूसरा बंदा कहता है ओके सर मैं यही करूंगा। सारदा कहती है कि लगता है किसी को रिपोर्ट दे रहे हैं। मित्सुकी भी कहता है हाँ पर पता नहीं डेंकी और वो कहाँ पर है, वो यहाँ पे तो नहीं नजर आ रही। ये सुनकर सारदा कहती है हमें उनसे जल्दी से ढूंढना होगा, इससे चीजें आसान हो जाएगी। मित्सुकी कहता है हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद सीन दिखाया जाता है मेटल ली का जो कि बाहर ट्रैप सेट करके आता है और अंदर आके वो सबको ये बता देता है। हम देखते हैं अंदर बस डेंकी इवाबी और मेटल ही होते हैं। इवाबी ये सब सुनकर काफी ज्यादा बैड फील कर रहा होता है और वो कहता है हमें जाकर उन सबकी चटनी बना के आ जानी चाहिए, लेकिन डेंकी उसे रोकता है और कहता है नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते और वो अपना कंट्रोलर बाहर निकालता है। इवाबी कहता है वो लोग ऑलरेडी पपेट ले जा चुके हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हमारा डेंकी कहता है हमें अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। और इसके बाद सीन वापस से सारदा मित्सुकी पे शिफ्ट होता है जो कि अभी भी वहीं छुपे हुए होते हैं। और हम देखते हैं कि उसी फनाटो क्लैन के बंदे के पास एक नया बंदा आता है और वो उसे बताता है कि हम अभी तक लीव के रिसर्चर्स को ढूंढ नहीं पाए हैं इसलिए हमें माफ कर दीजिए। और इस बात पर वो बंदा उसे डांटता है और वहां से भगाता है, लेकिन तभी वो वहां से जा रहा होता है तो वो उसे रोकता है और कहता है सुनो तुम्हारे बैग पर क्या है। वो बंदा उस बैग को खोलता है और उसमें से निकलता है वो पपेट। वो कहता है कि ये मुझे तब मिला था जब मैं माउंटेन की चेकिंग कर रहा था। वो कहता है अच्छा दिखाना इसको जरा, और वो फनाटो क्लैन का बंदा उसे थोड़ा बहुत खेलने लगता है और इसी बीच वो उसके बटन को दबाकर उसे टर्न ऑन कर देता है। वो कहता है काफी अच्छी चीज है इसे भी शिप पे लूट करवा दो, और वो बंदा उसे लेकर वहां से जा रहा होता है। लेकिन तभी मित्सुकी अपने स्नेक की हेल्प से उसे गिरा देता है और इसके बाद सारदा उस रोबोट को निकालती है और कहती है शायद ये हमें डेंकी तक ले जाए। लेकिन तभी उस रोबोट की आंखें लाल हो जाती है और वो सारदा के मुंह पर कुछ स्प्रे कर देता है और इसके बाद वो वहां से भागने लगता है। थोड़ी देर बाद वो उन दोनों के ऊपर वापस वो स्प्रे कर देता है और वो फनाटो क्लैन के बंदे के पास जाकर उसमें से कुछ गोल्ड निकालने लगता है, लेकिन मित्सुकी और सारदा उसे घेर लेते हैं। हमारे सारदा उस रोबोट से बात करने की कोशिश करती है, व्हाट द हेक। सारदा उससे कहती है कि रुक जाओ हम अच्छे बंदे हैं, मतलब भाई रोबोट से बात पाओ, लेकिन वो रोबोट वहां से भाग जाता है। सारदा नोटिस करती है कि वो गोल्ड के पीछे भागता है और इससे उनके दिमाग में एक प्लान आता है। सीन वापस से रोबोट की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वो रोबोट देखता है कि वहीं पे बहुत सारा गोल्ड रखा हुआ होता है और वो वहां पे जाता है। एंड देन जैसे ही वो उस गोल्ड को उठाता है तो वहां पे हमारा मित्सुकी आ जाता है जो कि उसे पकड़ लेता है। सारदा मौका देखकर जल्दी से उसके बटन को दबा देती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें वापस से येलो हो जाती है और इन सब के बाद वो काफी ज्यादा नॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगता है और वो रोबोट जाने लगता है कहीं पर। सारदा एंड मित्सुकी भी उसे फॉलो करते हैं और वो वहीं पे आ जाता है उस गुफा के पास जहाँ पर डेंकी वगैरह होते हैं। डेंकी वगैरह हमारे मित्सुकी एंड सारदा से कैचअप कर देते हैं और अब चीजें काफी सही हो रही होती है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है हमारे बोरुटो की बोट का। अब रात भी हो चुकी होती है। उधर भी माहौल काफी ज्यादा शांत था। बोरुटो कागुरा से अच्छी अच्छी बातें कर रहा था एबीचिगो वगैरह के बारे में और काफी ज्यादा टोकनो जुत्सु चल रहा था। लेकिन तभी जो समुद्र होता है वो काफी ज्यादा बैड बिहेव करने लगता है एंड काफी ज्यादा बड़ी बड़ी लहरें बन रही होती है। हम देखते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वहां पर वही बहुत बड़ी साइज वाली शिप आ जाती है। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ओके गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो ओके गाइस सायोनारा।